हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का ट्रेड जो अभी तक हमने नहीं लिया है, और आज का ट्रेड अभी आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा देखेंगे मार्केट का मूड क्या है, मार्केट किस तरीका से बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो हम लोग बाइंग करें, थोड़ा हमारा जो ट्रेड होगा वो नेगेटिव डायरेक्शंस में ट्रेड होगा। क्योंकि यदि बात करें यहाँ पर, तो कल का मार्केट आप देख रहे हैं, एक बड़ा जैसा कैंडल इन्होंने मार्केट बनाया था, फिर मार्केट अप की ओर चला गया, और जो है मार्केट बुलिश रहा पूरे दिन, और काफ़ी सारे बायर्स अकोमोडेट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है, सेलर्स का स्टॉप लॉस के पास हम लोग नहीं हिट कर पाएंगे। जो भी हमारा स्टॉप लॉस है वो बायर का ही स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पोजिशन में बायर होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ बायर्स होगा, यहाँ पे बायर्स होगा, इस जगह पे बायर्स होगा। तो अभी जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा बायर्स का स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है? तो मार्केट का जो सिनेरियो है उसी तरीका से होगा, बट थोड़ा सा मार्केट में वेट कर लेंगे और वेट करके देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। कल हमने क्या हुआ था कि थोड़ी सी जल्दी जल्दबाजी की थी, जिसके कारण कि हमें लॉस लग गया था, लेकिन आज ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा। आज थोड़ा मार्केट को देख करके हम लोग अपना ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए, आज का जो ट्रेड है वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आज का ट्रेड जो है हम लोग बनाते हैं। जो ट्रेड होगा वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड होगी। तो दोस्तों, आज का जो ट्रेड है वो हमने बना लिया है, और आज आप जान रहे हैं जैसे कि आज का जो दिन है, आज है थर्सडे, तो यहाँ पर जो है थोड़ा संभल करके हमें ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि आज एक्सपायरी, दोस्तों एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर जाती है। सडन अप मोमेंटम, डाउन मोमेंटम, कहीं पे भी मार्केट जा सकती है। इसलिए जो भी ट्रेड हम लोग बनाएंगे थोड़ा संभल करके यहाँ पे बनाए हैं, और ज़्यादा लॉसेस हम लोग नहीं रखेंगे आज के दिन पे। जो है देखेंगे कि मार्केट 1200-1300 यदि जा रहा है तो लॉसेस अपना कट कर देंगे, और यदि प्रॉफिट की भी बात की जाए तो उसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट भी उसी रेशियो में रखेंगे। तो ट्रेड तो हमने बना लिया है दोस्तों। देखिए अभी जो है अपना जो लॉसेस चल रहा है वो 145 चल रहा है। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी हम लोग ट्रेड में बने हुए हैं और ट्रेड में रहेंगे, और हम लोग जो है आपको जैसा बताया था कि हम लोग उस पर पहले बायर्स को टारगेट करेंगे। तो मार्केट यदि कहीं ना कहीं यदि मार्केट यहाँ तक आ जाती है, इस कैंडल को टेस्ट करती है, यहाँ तक आती है, तब तक हम लोग यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ सपोर्ट लाइन। इस सपोर्ट लाइन तक यदि मार्केट आती है तो फिर यहाँ से मार्केट से अपन एग्जिट कर जाएंगे। तो यही था दोस्तों आज का ट्रेड बनाने का फॉर्मूला। ट्रेड बनाने का फॉर्मूला ये था कि आप देख पा रहे हैं कल क्या हुआ था। कल अपने पास जितने भी थे यहाँ पर बायर्स अकोमोडेट हुए, लोगों ने सेलिंग्स की, जिन्होंने भी पुट बाई किया उनका अच्छा खासा लॉसेस हुआ। यहाँ के मैंने भी पुट बाई किया था, मेरा भी अच्छा खासा लॉसेस हुआ। इसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे आपकी बायर्स ज़्यादा अकोमोडेट हो रहे हैं। यहाँ पर बायर्स होंगे, इस पॉइंट पर बायर्स होंगे, इस पॉइंट पर बायर्स होंगे, यहाँ पर बायर्स होंगे, और यहाँ पे तो बायर्स हैं ही। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट जो है बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन फिर थोड़ी बहुत सेलिंग्स आई थी मार्केट में। और आज क्या है, यदि आज यदि मार्केट यहाँ ओपन होती है और यदि मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस वगैरह है वो सारा का सारा नीचे है। तो मार्केट जो भी बायर्स यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर होंगे, वो अभी रुके होंगे, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकते हैं। इसी खातिर से हमने जो ट्रेड बनाया वो नेगेटिव साइड में ट्रेड बनाया। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे जिस अकॉर्डिंग मार्केट वॉक करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी अपना प्रॉफिट और लॉसेस होगा उसको डिसाइड करके मार्केट से बाहर निकलेंगे। ये तो था दोस्तों निफ्टी की बात। यदि बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखेंगे सेम सिचुएशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन होने के बाद बायर्स आए, थोड़े बहुत कुछ सेलर्स भी आए, फिर मार्केट बाइंग में चली गई है। तो बाइंग में जब मार्केट गई है तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है, मार्केट सेलिंग्स में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बायर्स ऊपर तो है नहीं, बायर्स तो ऊपर तो टारगेट कर नहीं सकते, स्टॉप लॉस तो अपना ऊपर है नहीं, जो भी स्टॉप लॉस वगैरह है वो नीचे है। तो इसी खातिर से हमने जो है नेगेटिव ट्रेड आइडेंटिफाई किया, और हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे जैसे ही अपना प्रॉफिट का टारगेट रीच होता है हम लोग मार्केट से एग्जिट लेकर के बाहर निकल जाएंगे। अभी जो मार्केट में अपना प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 730 750 के आसपास चल रहा है। और आपको पता है दोस्तों कि कभी भी मार्केट में जो है जो स्क्रीन पे दिखता है बेसिकली वो प्रॉफिट अपना होता नहीं है। जो प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं प्रॉफिट वही होता है। ये देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट अपना कम हो रहा है। देखें निफ्टी क्या हो रहा है। अच्छा, निफ्टी में थोड़ा बहुत बाइंग आ रही है इसी खातिर से। खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर मार्केट में वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट करके थोड़ा देखेंगे। यहाँ थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है और एक इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी नीचे आ रही है और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर आ रही है। एक बार दोनों इंडेक्स यदि सेलिंग्स में आ जाए तो फिर यहाँ पर तब जाके अपना काम बनेगा।
और हम लोग जो भी टारगेट लेके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टेस्ट करने के लिए यदि मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर जो है हम लोग एक अच्छा एग्जिट कर सकते हैं। यदि इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ जाए तो अपना काम भी बन जाएगा, अदरवाइज मार्केट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग उसी का वेट करेंगे, वेट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे जैसे ही अपना टारगेट मिलता है अपन को और मार्केट से हम लोग एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट है आप देख पा रहे हैं कि 1200 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। निफ्टी ने अच्छा काम किया है, लेकिन निफ्टी आप देख रहे हैं अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हमें कर रही है। थोड़ा सा निफ्टी, और निफ्टी तो सेलिंग में आ गई है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी यदि सेलिंग्स में आ जाए तो अपना काम यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ यदि निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत कैंडल को चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन निफ्टी को लेकर के थोड़ा दिक्कत है, तो देख लेते हैं आज का जो अपना टारगेट रहेगा भाई 1200 से 1500, जैसे मैंने आपको बोला था 1500 के आसपास अपना टारगेट रहेगा। यदि अपना टारगेट मेट हो जाएगा तो मार्केट से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि थर्सडे है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है आज, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन आज ही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हमको इसका लगा है। निफ्टी में फिलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, लेकिन थोड़े बहुत मुझे दिक्कत जो लग रहे हैं वो बैंक निफ्टी में दिखते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे, यदि होगा तो निफ्टी में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और बैंक निफ्टी से बाहर निकल जाएंगे, यानी तो दोनों से ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। एक बार अपना टारगेट थोड़ा बहुत आ जाए, इसके बाद जो है मार्केट से हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे अपना टारगेट्स को बुक करके। तो उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और देखते हैं अभी जो प्रॉफिट चल रहा है आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 1158 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ जो अपना प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट है वो 1725 रुपये चल रहा है। थोड़ा बहुत वेट करेंगे, वेट करके यदि अच्छा टारगेट मिल जाता है तो फिर मार्केट से बाहर निकलेंगे। निफ्टी तो सेलिंग्स में आ चुका है, बट बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं जल्दी ये सेलिंग्स में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बना दे रही है, ग्रीन कैंडल बना रही है, जिसके कारण कि अपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कम हो जा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्केट सही चल रहा है तो अभी इसको चलने देंगे। जैसे ही अपना प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट से बाहर निकलेंगे। अभी जो भी चीज़ है, जितना भी है, मार्केट से भी हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, एटलीस्ट इस कैंडल तक तो बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन इसके पहले यदि मार्केट अपना प्रॉफिट कम कर दे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो निफ्टी के साथ इशू नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग्स में जा रही है। जो इश्यूज हमें दिख रहे हैं वो बैंक निफ्टी के साथ दिख रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ से निफ्टी भी सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ जाए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। यदि निफ्टी ऊपर आता है तो फिर हम अपना पोजीशंस को यहाँ से कट करके बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में सेलिंग्स कम आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक लॉट को मैं स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ, इसके बाद देखा जाएगा। चलिए वेटिंग कर लेते हैं थोड़ा। अपना जो टारगेट था वो 1500 का ही टारगेट था, बट कल का अपना लॉसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में वेट कर ले रहे हैं। और वेट करने से कुछ अच्छा ही मिलता है, जैसे ही अपना प्रॉफिट कम होगा या 1500-1600 के आसपास फिर से जाएगा तो अपना जो है प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट से बाहर निकल जाएगा। निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी के साथ कहीं कोई इशूज़ नहीं है, निफ्टी के साथ हम लोग अभी बने रहेंगे। बस जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जल्दी सेलिंग में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं जो जोन है इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो मोमेंटम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। यदि मोमेंटम अच्छा मिल जाए तो फिर अपना काम बन जाएगा, यदि मोमेंटम अच्छा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के एक दिक्कत हमको देखने को मिल सकता है। कल का भी बेसिकली अपना प्लानिंग वही था कि हम लोग जो है बायर्स को टारगेट करने वाले थे, लेकिन कल मार्केट थोड़ा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, तो कोई बात नहीं, मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस तो होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी काम करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने जो पोजिशंस बनाए थे, पोजिशंस की टाइमिंग क्या है, पोजिशंस में आपने एंट्री कब लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल जैसे जो एंट्री हुआ था हमारा, एंट्री ही रॉन्ग हुआ था, वैसे भी यदि रॉन्ग एंट्री भी नहीं लेते तो कहीं ना कहीं कल देखें तो लॉसेस ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात करते रहूं और प्रॉफिट मार्केट मेरा कम कर दे, तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे। और निफ्टी के साथ कोई इशू नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला अभी बैंक निफ्टी भी सेलिंग्स में आ चुकी है प्रॉपर, तो यहाँ पर देखेंगे और देख वेट करके बस देखते रहेंगे कि मार्केट अपना कहाँ तक लेके जा रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसके बाद फिर पोजिशन यदि मुझे लगेगा तो फिर पोजिशन से स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेक करेंगे क्या हो रहा है और इसके बाद ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। वेट करके देखते हैं अभी जो प्रॉफिट अपना चल रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2792 रुपया चल रहा है। ये बस स्क्रीन पे जो देखता है वो प्रॉफिट है दोस्तों, जो प्रॉफिट बुक होगी एक्चुअल प्रॉफिट वही होगी हमारा, जैसा कि मैं आपको डेली बोलता हूँ एक्चुअल प्रॉफिट अपना जो है वही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे स्क्वायर ऑफ ले लेनी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं निफ्टी से बाहर निकल जा रहा हूँ और बैंक निफ्टी में थोड़ा बने रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में और सेलिंग्स आने के चांसेस हैं,
यहाँ पे हम निफ्टी में, निफ्टी से तो हम बाहर निकल गए, बट बैंक निफ्टी में भी हम बने रहे। क्योंकि निफ्टी से क्यों बाहर निकले, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं सपोर्ट लाइन को ब्रेक तो इन्होंने किया है, बट यहाँ से हो सकता है कि ये पॉजिटिव कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तो हम निफ्टी से बाहर निकल जाएंगे। बैंक निफ्टी मेरा प्रॉफिट क्यों कम कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, बैंक निफ्टी ने काफ़ी प्रॉफिट कम कर दिए दोस्तों। एक कैंडल बन जाए बैंक निफ्टी में अच्छा, तो फिर अपना काम बन जाएगा। यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, एक यदि कैंडल इन्होंने प्रॉफिट का एक कैंडल अच्छा इन्होंने बना दिया, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं दिक्कत आने को दिख सकती है। क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ही आ गया है। यहाँ से हो सकता है यदि रिट्रेस करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है मुझे, तो यहाँ पर तो अभी वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने ऊपर जाना थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया, बट कोई बात नहीं, निफ्टी थोड़ा और भी नीचे जा सकती है, बट यहाँ पे इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एक लॉट में यदि आपको 900 1000 रुपया मिल जाता तो काफ़ी मिल गया, आप मार्केट से ले करके निकल जाइए। चलिए, तो यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेड है उसको क्या करें, एग्जिट कर लें। 1 मिनट और देख लेते हैं, 1-2 कैंडल और देख लेते हैं, इसके बाद जो है ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। यदि अच्छा पोजिशंस दे दिया बैंक निफ्टी तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। अभी जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 2300 2400 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो ठीक है, अभी भी सेलिंग्स में है, निफ्टी कंटिन्यू कर रहा है, बट थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को देख लेंगे, इसके बाद अपना टारगेट बनाएंगे। इस कैंडल तक तो जैसा मैंने आपको बोला था ना शुरू में, इस कैंडल तक तो देखेंगे ही देखेंगे, जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ तक तो देखना ही देखना, इसके बाद ही कोई डिसीजन फर्दर हम लोग लेंगे यहाँ पर मार्केट में। अभी जो अपना प्रॉफिट चल रहा है वो 2600 के आसपास चल रहा है, लेकिन मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं इसको। यहाँ देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने भी यदि बने रहते तो अच्छा खासा यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत मार्केट में वेट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क लेने से ही कुछ हो पाता है, अदरवाइज दिक्कत है। निफ्टी में एग्जिट थोड़ा सा रुक करके करना चाहिए था, मुझे लगा था सपोर्ट के आसपास है, तो सपोर्ट के आसपास था तो उस खातिर से मैंने एग्जिट कर दिया, बट कोई बात नहीं, जो मिला अच्छा मिला, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा नहीं है सीन, तो चलिए बैंक निफ्टी से भी हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, और आज का जो अपना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को लेकर के मार्केट से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना बुक प्रॉफिट है वो है 2390 रुपया। हमने 3 लॉट बाई किया था, हमने जो पोजिशंस बनाया था ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले बनाया था, आप देखेंगे 10 मिनट पहले हमने पोजिशंस बनाया था, 10 मिनट में जो अपनी अर्निंग हुई है वो 2390 रुपये के आसपास अर्निंग हुई है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप पुट पोजिशंस में बने हुए तो आप अभी भी बने हुए रह सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से, यदि मार्केट आपका प्रॉफिट कम करता है तो मार्केट से बाहर निकल जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।